नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह रिपोर्ट। जिले के महनगर थाना क्षेत्र के मालपाल गांव में शौचालय के विवाद को लेकर रिश्ते के भतीजों ने चाचा की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर असलहा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेनगर क्षेत्र के मालपार गांव के रहने वाले अवधेश यादव उर्फ करिया व उसके पट्टीदार मार्कंडे यादव के बीच शौचालय की भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार की दोपहर अवधेश उर्फ करिया बाजार से सीमेंट चादर खरीदकर अपने घर लौटा। रिक्शा ट्राली पर लदी सीमेंट चादर को उतारते समय अवधेश के पट्टीदार मार्कंडे यादव के दो पुत्र समेत तीन लोग बाइक से वहां पहुंचे। रिक्शा ट्रॉली से चादर उतारने के लिए मदद के बहाने अवधेश के पास पहुंचे। रिश्ते के भतीजों को नजदीक पहुंचते अवधेश के सिर पे गोली मार दी। बीच बचाव को आई उसकी बेटी को दूर हटाकर बदमाशों ने अवधेश को ताबड़तोड़ करीब 7 गोलियां मारी। गोलियों की तड़तड़ाहट से गांव के लोग सहम गए। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर असलहा लहराते हुए अपने घर पहुंचे और घर के बाहर स्थित अपनी मड़ई में आग लगाने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, सीओ लालगंज अजय कुमार यादव, एसडीएम महनगर अरविंद कुमार सिंह सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हमलावरों की गिरफ्तारी में जुट गए। मामला को पता नहीं पड़े कि मामला तो नहीं था, वो करकट लग रहा था और करकट लगते ही तीन थे आए गाड़ी बैठ करके, गाड़ी खड़ा किए। उनके जो मरे हैं उनके भतीजे ही लगते हैं, परिवारिक के सब। क्या नाम है तीनों का? दे देंगे तो फिर वो दिक्कत है। हाँ चलिए, तो क्या हुआ तब? तब क्या हुआ? इसके बाद वो सब करकट भी उठाए और जब करकट उठाए तब तक तले फायरिंग शुरू कर दी। ये तो साइड में खड़ा था और जो गाड़ी चला कर आया वो गाड़ी लेकर के खड़ा करके चला गया, अपने घर चला गया। अरे तो साइड में खड़ा था और तीन टे फायरिंग करना शुरू कर दी। कितनी गोली मारे हैं लोगों ने? पिस्टन लिए थे, 7-8 गोली का 10 गोली लगी, 7 लगी है। 7 मौके पर लगी और करीब 10-12 राउंड की चलेंगे। क्या कोई पुरानी रंजिश भी थी? पुरानी रंजिश तो नहीं कोई थी। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है अभी तक? पुलिस वही अपना लिखा जो बात है बोले वो लिखा। थाना महानगर पर एक गोली चलने की सूचना आई ग्राम मालपार से। इस सूचना पर जब मौके का निरीक्षण किया गया तो पता चला कि वहां पर अवधेश यादव, पुत्र दशरथ यादव, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। आसपास के लोगों से जब पता किया गया तो पता चला कि उनके रिश्ते के भतीजे, दो भतीजे हैं जिन्होंने गोली चलाई है और लिखित तहरीर के आधार पर 4 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, फिर भी एहतियात के तौर पर फोर्स लगा दिया गया।